तो आज जो है ना इसका है लास्ट डे और द टाइम इज अप. इसको हम Assalamualaikum everyone, this is Sabahat Ahmed Khan. Welcome to my channel. Welcome to another video. और I hope आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे. आजकल तो अच्छे नहीं जा रहे क्योंकि आजकल गर्मी हुई है बड़ी सख्त किस्म की और पिछले जो रोज़े थे बड़े ज़बरदस्त गुजर गए. पहले 15-16 रोज़े जो थे बहुत मज़े गुजरे. तो आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे. और मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वेनम और वजाद भाई. अस्सलाम वालेकुम भाई को आज मैं लेके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए और रोज़े में गर्मी में उठ के आए हैं. तो एक एक मिनट जो भाई कह रहे हैं कि यार वजाद भाई वीडियो नहीं डाल रहे यार, रोज़ों में नहीं बन रहे. रोज़ों में बड़ी मुश्किल है यार वीडियो बनाना. तो मुझे भी काफ़ी कमेंट आए होते हैं वजाद भाई कहाँ हैं, वजाद भाई कहाँ हैं. यार रोज़ों के बाद इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोज़ आएंगी. रेगुलर आएंगी इंशाल्लाह, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी तो टेंशन नहीं लेनी है आपने. अच्छा तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वेनम पे जो रैप हुआ हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है. वो काफ़ी जो है ना ख़राब होने लग गया है और अब मुझे थोड़ी सी उसने टेंशन दी है. तो वो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या मसले आ रहे हैं रैप के. और एक दो और चीज़ें जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ. पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक के मसले दिखाता हूँ और एक दो प्रोजेक्ट और हैं जिनका मैं सोच रहा हूँ. तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार क्या सोच रहा हूँ और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो चलते हैं सीधा बाइक दिखाते हैं आपको. अच्छा जी, इस टाइम मेरे सामने मौजूद है वेनम, आप लोगों का फेवरेट वेनम. और इसके जो रैप के मसले ना वैसे देखने में तो कोई मसला नहीं है इसमें, माशाल्लाह से लुकिंग वेरी नाइस. लेकिन जब आप करीब जाते हैं इसके, क्योंकि मैं रोज़ चलाता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ नज़र आती है कि यार आज ये हो गया, आज ये हो गया. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. स्टिकर का मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा सा मैंने चेंज करना है. उसमें ये था कि ये जो वेनम का ये जो सांप बना हुआ है, ठीक है, इसका जो ये कट है ना, ये यहाँ से असल में नहीं था. ठीक है, ये जब मैंने स्टिकरिंग करवाई थी तो उस टाइम उनसे मिस्टेक हो गई है. जो भी ये ना पूरा यहाँ तक आता है और बड़ा स्मूथ लगता है. ठीक है, ये कट हुआ ना थोड़ा अजीब सा लगता है. दूसरी चीज़, ये रिफ्लेक्टर इन्होंने लगाया था, ये वाला जो रैप है और ये रिफ्लेक्टर है, इसमें बड़ा कलर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा. ये रात को लाइट लगती है तो फिर चमकता है. बट मेरा दिल था कि वाइट में होता तो बड़ा मैच करना था. खैर ये स्टार्ट की बातें थी, उस टाइम मैंने नहीं चेंज करवाया क्योंकि नया नया हुआ था, ठीक ही लग रहा था. तो अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ये चीज़ें नज़र आने लगती हैं. उसके अलावा ये जो कट है ना, ये बड़ा बुरा लगता है. ठीक है, और अब रैप जो है ना कहाँ से ख़राब हो रहा है, ये देखें, ये यहाँ से अंदर से उतर रहा है. ठीक है, ये उतर क्यों रहा है, क्योंकि अब होगी ये गर्मी और गर्मी से ना ये जो रैप है ये मेल्ट होता है अंदर से. इसके जो ग्लू लगी होती है वो मेल्ट होती है तो ये उतरता है. फिर वो जब ठंडी हो जाती है तो वो फिर ज़ाहिर सूख जाती है और उतरने लग जाती है. तो उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये पैच लगाया हुआ है. ठीक है, ये अभी तक पक्का ही है, शुक्र है, हिला नहीं है. ये अंदर ना वो रबर टूटा हुआ है इसका, तो ये लूज़ है और जिस वजह से ये यहाँ पे रैप के अंदर घुस रहा है. तो खैर यहाँ से ये भी ख़राब हुआ है. ठीक है, उसके अलावा जो गली मोहल्ले के बच्चे करते हैं बाइकों के साथ, शुक्र है ज़्यादा लाइनें नहीं लगाई, लेकिन ये जो लगाई है ना, ये मुझे बाद में समझ आई कि ये बच्चे हरकतें कर रहे हैं, कहीं और से नहीं लग रही. तो ये बड़ी बुरी चीज़ है, ये अब उतर नहीं रहा, इस पर पता नहीं पेट्रोल लगाना पड़ेगा या क्या. उसके अलावा ये टेल नई रैप करवाई थी तो यहाँ से ये देखें बबल्स आने लग गए हैं इसमें. सही है, इधर से ख़राब हो रहा है. पीछे से बात करें तो यहाँ से ये देखें उतरने लग गया है. सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे रैप हुआ है, इस साइड पे रैप नहीं हुआ हुआ. तो ये जो है ना ये ख़राब होने लग गया है. ठीक है, ये सारा गर्मी का काम है. और उसके अलावा ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये मैंने काट दिया था. ठीक है, ये भी उतरा हुआ है. और एक दो और जगह जैसे यहाँ से ये इधर भी ख़राब है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना उतर रही हैं जगहों से. यहाँ से ये एक्सीडेंट हुआ था तब और टैंक के पास से. और ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये मेरे पहले वाइट रैप में मुझे ये इशू आया था कि कलर यहाँ पे ख़राब होने लग गया था पेट्रोल की वजह से और जो भी इशू आता है. तो वंस अगेन ये इशू भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो ये ओवरऑल चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता कि रैप के पर्क्स ऑफ रैप. ठीक है, थोड़े से इशूज़ आते हैं, पेंट होता है, पेंट पर स्क्रैचेस के इशूज़ आते हैं, रैप होता है, रैप पर ये इशूज़ आते हैं, बट स्टिल कंपेरेटिवली ठीक होता है रैप. लेकिन शॉर्ट टर्म होता है, ये मैं बता दूँ, वो आपने बस पैसे उड़ा दिए समझे. सही है, तो शश का पूरा करने के लिए ठीक है, उसके अलावा आपके पैसे गए. सही है, तो इसमें एक दो चेंजेस हैं. मुझे ना चेंज करने का दिल चाहता है. वाइट साइड पे तो कोई चेंज नहीं है,
वो जैसी है वैसी है। ब्लैक साइड पे ना हो सकता है चेंज करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ये बहुत अच्छी लगने लग जाती है जगह। तो दोनों साइडों की ना अपनी लुक है और अपना मज़ा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं चेंजेस लाऊं, लेकिन बस दिल नहीं मानता कभी कभी। तो खैर ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, ब्लैक साइड से टोटली ब्लैक और बड़े मज़े की लुक दे रहा है, ठीक है। और वाइट साइड में तो आपको एक टोटली डिफरेंट लुक देता है, तो मतलब पहचाना नहीं जाता कि वही बाइक है कोई और बाइक है। तो माशाल्लाह से ओवरऑल एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन, परफेक्टली फाइन। मॉडिफिकेशंस में मैं एक दो चीज़ें और कर सकता हूँ कि इसको एक्सटेंड करवा लूँ, ठीक है, टेल कट कर दूँ। और टेल पे ना बहुत लोगों ने मुझे कहा, बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए आवाम के टेल कटा दो टेल कटा दो, मैंने नहीं कटाई, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिले। बट इस पे और मॉडिफिकेशन करने का दिल नहीं भी करता, मैं कहता हूँ कि यार जितना है इट्स परफेक्ट, इसको यहीं तक रहने दो। परफेक्ट ज़ाहिर नहीं है लेकिन बहुत है, जो कर लिया इस पर बहुत है। अच्छा मैं भाई के साथ आया हूँ, भाई वहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं, रोज़ा है तो आराम कर रहे हैं, और मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ। तो बाइक लुकिंग माशाल्लाह वेरी नाइस, आप यहाँ से इसकी लुक्स देखें क्या खूबसूरत, और यहाँ से भी दिखा देते हैं, ये चेक करें एस्थेटिक फुल उफ। तो आज जो है ना इसका है लास्ट डे, और द टाइम इज़ अप, इसको हम खड़ा कर देंगे क्योंकि हम अब चलाएंगे सीबी को। इसको मैं दो तीन दिन यूज़ करता हूँ, फिर सीबी को यूज़ करता हूँ तो लास्ट डे इस वजह से है कि आप रेस्ट करेगा चार दिन, फिर जो है सीबी को निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इस तरह में तो मतलब दोनों की बारी आती रहती है चलाने की, सो दोनों मेंटेन रहते हैं और चलते रहते हैं, तो गुड सीन है ये बड़ा। तो लास्ट डे इस सेंस में ये नहीं है कि लास्ट डे टाइटल से भी आप लोगों को डर ही लगा होगा कि यार पता नहीं बेचती है क्या करती है, ये नहीं जा रहा कि इंशाल्लाह, क्योंकि कई बार मैंने सोचा है इसको बस हो गया ठीक है सेल कर देते हैं, ये कर देते हैं, रैप उतार देता हूँ, चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं, बस ये जैसा है वैसा ठीक है, हुआ तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट फ़िलहाल ये ऐसी है। अच्छा जी ग्लासेस मैंने मंगवाई थी दराज से, और वैसे तो ये सनलाइट के लिए हैं कि सन ग्लासेस ही हैं, तो हैं थोड़ी सी लो क्वालिटी, ठीक है प्राइस ज़रा कम है, थोड़ी सी बस एक फ़िल्टर लगा देती हैं, थोड़ा कैमरे पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये व्यू है, ये बस एक फ़िल्टर लग जाता है थोड़ा सा ना, बस ब्राइट ब्राइट दिखाता है, लेकिन रोशनी ज़्यादा लगती है इसमें, पता नहीं उतना फ़ायदा नहीं है इसका, बट अच्छी चीज़ है अगर अच्छी क्वालिटी वाली हो तो। तो ये कुछ वेनम की चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे माइंड में एक नया प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूँ करना, मतलब बैक ऑफ माई माइंड वो कुक हो रहा है ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन काफ़ी है क्योंकि मेरे पास सीबी भी खड़ा हुआ है, सीबी पे मैंने अभी तक मॉडिफिकेशन क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि उसको मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा सुकून मिलता है उसको चला के, क्योंकि स्टॉक बाइक है, आप इस बाइक को हर जगह पे नहीं लेके जा सकते, मार्केट जा रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हर वक्त इसको आप नहीं निकाल सकते, हर वक्त नहीं चला सकते, तो सीबी जो है ना ये मेरी अभी वो ज़रूरत पूरी कर रहा है, और उस पर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मॉडिफिकेशन का, उसको मैं चाहता हूँ स्टॉक ही चलाऊँ, हो सकता है आगे कोई प्लान चेंज हो जाए, बट अभी जो मेरे माइंड में प्रोजेक्ट बन रहा है वो है YBR ESD का। YBR ESD कुछ लोगों को समझ नहीं आता, YBR 125 सिंपल जो है आगे स्पोर्टी लाइट वाला, क्योंकि YBR जी गोल्ड लाइट वाला होता है, और दूसरा जो YBR है वो YBR 125 है या ESD YBR है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो मेरे माइंड में बन रहा है, और मैं मतलब सोचा हुआ है कि यार ऐसा बन सकता है, बहुत खूबसूरत लगेगा, तो माइंड में है लेकिन अब समझ नहीं आ रही इम्प्लीमेंटेशन का, अब पहले बाइक ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा मिले, मुनासिब रेंज में मिले, ताकि मॉडिफिकेशन के ऊपर खर्चा हो तो इतना ना हो, ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें पता है कि यार क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, कहाँ कहाँ से होती है, और क्या क्या करवाना चाहिए, तो वो मेरे माइंड में है, और अगर वो मैंने स्टार्ट किया तो बहुत बॉम्ब चीज़ बनेगी, वो मैं आपको पहले बता दूँ। आप लोग सजेशन भी दें कि ESD पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर मुझे मिल गया ना बाइक अच्छा मैंने उठा लेना है और उसमें मैंने काम कर देना, हो सकता है सीबी को हम निकाल दें, ज़रूर बताइएगा, हो सकता है उसको मैं फिर रखूँ ना, सेल ही कर दूँ प्रोजेक्ट करके, या अगर कोई अपना बाइक देता है कि यार प्रोजेक्ट कर दें इस पर तो उसको करके दे देंगे, सो बहुत सारी ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अजान स्टार्ट हो रही है, वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।